हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सोच रहे हैं मंदिर से क्यों दिखा रही हूँ? तो आज है जन्माष्टमी और मैं मंदिर साफ करूँगी। मैं नहा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी का फुल ब्लॉग, मतलब फुल डे मैंने क्या किया, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है और सिर्फ इसमें पूजा दिखेगा, पूजा पाठ, क्योंकि मैं कैसे जन्माष्टमी करती हूँ आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मंदिर, सबसे पहले मेरा जो मंदिर का एरिया है, मैं टेबल पे ही भगवान जी को रखती हूँ। और प्रॉपर तो मंदिर ससुराल में है और मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ ये मंदिर मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ। तो बस इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी जन्माष्टमी के दिन। मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, सबसे पहले मंदिर का नीचे का एरिया जो रोज़ मतलब हमेशा हटा के नहीं पोछ पाती हूँ, तो आज मैं अच्छे से पहले उसको पोछ लूँगी, फिर टेबल को साफ करूँगी और लगाऊँगी। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मैं जन्माष्टमी कैसे करती हूँ और प्रॉपर तरीके से जन्माष्टमी कैसे मेरा तरीका है करने का, और सब तो अलग अलग तरीके से करते हैं, बस वही है। तो ये आप देख सकते हैं मैं टेबल को पोछ ली थी और इसमें मैं कपड़े बिछा कर देख रही हूँ कि कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं दो तीन तरीके का कपड़ा बिछाई, बट मतलब लगाई, तो मेरी बेटी बोली मम्मा ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं बोली ओके, तो मैंने ब्लू वाला ही लगा दिया और सच्ची में ब्लू वाला ही अच्छा लग रहा था। तो बस अब मैं सारे भगवान जी लोगों को पोछूंगी अच्छे से। सो सुबह का टाइम है, मेरी बेटी को भी मैं नहीं नहलाई हूँ, मेरे हस्बैंड का काम कर रहे हैं, हस्बैंड मेरे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैं मंदिर साफ करके पूजा करते उड़ते मुझे थोड़ा अच्छा खासा टाइम लग गया। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता करवा दी हूँ, बेटी को मैंने दूध पिला दिया और उन लोग का दोपहर का जो चावल था मैं चढ़ा के उसको उतार कर आई हूँ, तो मैं अब आराम से करूँगी। तो ये मेरा मंदिर साफ कर ली थी और पूजा जो दोपहर का पूजा बोलते हैं, दोपहर का मॉर्निंग का पूजा, मैं उसको कर ली हूँ। और लड्डू गोपाल को मैं इसी तरीके से ढक कर अच्छे से रख देती हूँ। अब उनका जो जन्म होता है 12 बजे रात को, उसी वक्त उनका मैं ये लाल वाला कपड़ा हटाऊँगी। तो ये तरीके से मैं करती हूँ। और ये जो कपड़ा वगैरह बदली मैं लड्डू गोपाल का और ये आसन का कपड़ा सब धो दी हूँ। और यहाँ पे जो भी पूजा में मुझे बर्तन लगेगा भगवान जी का आसन धो दी हूँ, झूला मतलब। और सारा कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड को खाना खिला दी, बेटी को खाना खिला दी, तो मुझे लगा मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। मतलब मैं चाय पानी में रहती हूँ, शाम से पहले जो चाय पानी पीना है एक बार मैं पी लेती हूँ। तो ये मैं पानी पी थी और एकदम भर कर गिलास भर कर चाय बनाई थी, मैं चाय पी लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे देख के हंस रहे थे कि बाप रे कितना सारा चाय, तो मैं बस पी रही थी। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, रात का टाइम हो गया, रात का 9:30 हो रहा है। तो मैं अपने बेटी के लिए खिचड़ी चढ़ाई हुई थी क्योंकि वो खिचड़ी बोल रही थी खाएगी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए आलू की सब्जी, मसाले वाली सब्जी बना दी हूँ। और ये मैं अपने लिए कल के लिए हल्का सा हटा दी हूँ, अगर मुझे खाने का मन करे तो, जब मैं पारण करूँगी तब। तो बस ये देखिए गद्दा, मैं नया वाला गद्दा भगवान जी का लगाऊंगी। और गद्दा भी मैं बदलती हूँ ना, तो ये नया वाला गद्दा लगा दूंगी झूले पे। और ये भगवान जी का कपड़ा, माला वगैरह, पंख वगैरह सब एक प्लेट में करके रखी हूँ क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है और मैं नहा वहा के रेडी। और ये देखिए 12 बज गया और बस जैसे 12 बजता है मैं शंख बजाकर अपना पूजा का शुरुआत करती हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल, बहुत छोटे से मेरे साथ हैं ये, बहुत छोटे से, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं इनको रखी हूँ अपने साथ। और जहाँ जाती हूँ ये मेरे साथ वहीं जाते हैं। ये मेरी बेटी, जितना मैं प्यार करती हूँ अब वो भी लड्डू गोपाल को उतना ही प्यार करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब इनका स्नान होगा, तो स्नान मैं बहुत चीज़ों से करवाती हूँ, तो वो आप लोग देखेंगे। तुलसी पत्ता टीका वगैरह लगाकर बस मैं इनका स्नान कराऊंगी। और स्नान कराने के बाद भी सब कुछ चढ़ाती हूँ टीका वगैरह, बट एक बार मैं स्नान से पहले ये सब करती हूँ। और मैं 5-6 चीज़ों से स्नान करवाती हूँ। दूध, ये दूध है, दही, मधु, घी, जल और गंगा जल, तो इन सारे चीज़ों से मैं स्नान कराऊंगी।
बस इनका स्नान हो गया है, मैं फटाफट से इनको पोछूंगी अच्छे से और जो इनका वस्त्र वगैरह है, माला वगैरह है, सब पहनाऊंगी। और बस मैंने इनको झूले पे बैठा दिया है और जो भी फूल वगैरह होता है वो सब चढ़ाऊंगी उठाऊंगी। और पड़ी पूरा बदमाशी कर रही है, वो हर साल ऐसे ही करती है, जब से मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे पड़ी को दिया है तो बस वो मेरे साथ ऐसे ही जगे रहती है, वो हर साल जगती है। और फूल, तुलसी पत्ता, दुबी, सब जो भी चढ़ता है सब चढ़ा उड़ा के अच्छे से पूजा करूँगी। अब मैं आरती पूजा वगैरह होगा, भोग तो आप देख सकते हैं, जो भी कोशिश करती हूँ मैं, लड्डू गोपाल को पसंद है वो सारा चीज़ मैं उनको चढ़ा पाऊँ। और घी का दिया जलाऊँगी, तेल का दिया जलेगा, कपूर जलाऊँगी, आरती करूँगी, बस जो पूजा का एक तरीका होता है मेरा, आरती वगैरह सब करूँगी। और उनका हर कुछ पसंद का मैं चढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जो भी वो पसंद करते हैं, मक्खन, घी, खीर, दही, दूध, सब कुछ कोशिश करती हूँ कर पाऊँ। बस इस बार जो मेरे हस्बैंड को मार्केट में नहीं मिला तो वो है मखाना और पंचमेवा, पता नहीं नहीं मिला मुझे वो, मैं भी वो भी चढ़ाती हूँ बट नहीं था। बस ये आरती हो रहा है और भगवान जी लोगों को सबको मैं अच्छे से फूल प्रसादी चढ़ा देती हूँ और बहुत सारा तेल डाल दी हूँ क्योंकि पूजा के बाद भी बहुत देर तक दिया जले। और बस अभी मैं आरती करूँगी, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ मेरा जन्माष्टमी का पूजा संपन्न। और आप लोग जरूर बताइएगा ना कि आप लोग को मेरा ये, मतलब मैं जो पूजा की आप लोग को कैसा लगा। और मैं इसी तरीके से करते आई हूँ तो बस वही तरीका है मेरा। देखिए दिया बहुत गर्म हो गया था तो मुझे कपड़े से पकड़ना पड़ा, बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। बस पूरा पूजा होने के बाद जो बोलते हैं निहूचना, तो प्रसादी वगैरह को मैंने निहूच दिया और मेरे लड्डू गोपाल अब आराम से सब कुछ भोग लगाएंगे। मैं कुछ देर के लिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। मैंने शेयर किया अपना जन्माष्टमी का, मतलब पूरा दिन मैं पूजा का क्या क्या करती हूँ और क्या कैसा दिन जाता है मेरा। तो इस बार का जन्माष्टमी बहुत अच्छा हुआ, मतलब अच्छा गया इससे, मतलब होता ना कि लोग फास्टिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा देह हाथ छोड़ देते हैं, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं बहुत अच्छे से की। और पता है सबको कि इसमें खाना तो चलता नहीं है, तो मैं पानी और चाय में थी, वो भी शाम से पहले जो भी चाय पानी लेना होता है बस। और बस पूजा हो गया, बट ये जगह जो है भगवान जी का एरिया पूरा, मतलब जो चढ़ाई थी उसी में से फल प्रसादी खाई हूँ। और कल सुबह उठूँगी फिर से इसको साफ़ करूँगी, लड्डू गोपाल को भोग लगाऊँगी और एकदम बढ़िया बढ़िया से। तो ये रहा मेरे लड्डू गोपाल, तो दिया में मैं इतना तेल डाल रही हूँ कि अभी बहुत देर दिया जलेगा और मैं तो जा रही हूँ अब सोऊँगी। तो बस आप लोगों को भी बताइए कि जरूर बताइएगा मेरा आज का जो ये मैंने जन्माष्टमी का जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, ब्लॉग, मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग बोल सकते हैं, सो ये कैसा लगा आप लोग को। और बस मैं ऐसे ही करती हूँ और आप लोगों के साथ जैसे करती हूँ बस उतना ही दिखाई। हाँ, हर साल डेकोरेशन करती हूँ जो कि इस बार मैं एकदम भी नहीं कर पाई डेकोरेशन, क्योंकि किसी का भी हम लोग घर पे रहते हैं, मतलब ये हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं, तो हम अब इनका दीवार देखिए कितना अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन। अगर मैं कुछ भी लगाती, चिपकाती, काठी वगैरह लगाती ना, तो उनका दीवार खराब हो जाता और मुझे ना खराब लगता कि इन फ्यूचर मैं, मेरा भी अपना घर होगा और मैं अगर रेंट में दूँ और रेंट में जो रहते हैं अगर वो उस घर को पूरा बर्बाद कर देना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं अपने घर की तरह ही जहाँ भी रही हूँ अपने घर की तरह रही हूँ, तो बस मैंने इस घर को मतलब मैं कुछ लगा ही नहीं क्योंकि दीवार बर्बाद होता और कोई काठी वगैरह था नहीं, तो मैं ट्यूनी बॉल वगैरह कुछ भी लगाती, तो उसके लिए सिंपल तरीके से अच्छे से पूजा की हूँ, पूरा विधिवत पूजा जो बोलते हैं वो अच्छे से की हूँ और एकदम मेरा पूजा कंप्लीट। और मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, आप लोग भी, आप लोगों को भी गुड नाइट और बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और बाय बाय, जरूर बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय।